वेलकम टू पनेशिया आजकल और हमारे आज के करंट अफेयर्स हैं ट्वेंटी सेवन ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो हम देख लेते हैं हमारी आज की हेडलाइंस क्या हैं तो हमारी आज की हेडलाइंस हैं ट्वेंटी सेवंथ ऑफ सेप्टेंबर सेलिब्रेटेड एज़ वर्ल्ड टूरिज्म डे गुलाम नबी आज़ाद फ्लोट्स न्यू पार्टी नेम्स इट एज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी सुपर टाइफून नोरू स्लैम्स इन टू द फिलिपिनस Jagdeep Dhankar released a book titled Pandit Deen Dhyal Upadhyay, Jeevan Darshan or Samsaktya. Hurricane Ian, US, Florida, neighboring Cuba declares state of emergency. PM Modi pays tribute to Shinzo Abe's state funeral in Tokyo, Lords ex Japan, Prime Minister's legacy. NASA, its asteroid, 11 million kilometers away in historic Earth deflection. टेक टेस्ट जॉर्जिया मिलोनी टू बी इटली फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द फार राइट इलेक्शन विन वेटरन स्टार आशा पारे टू बी कॉन्फर्ड विद दादा साहेब फालके अवार्ड सेंटर बैंस पी एफ आई फॉर फाइव ईयर्स साइट मेजर थ्रेड टू सिक्योरिटी अब हम हमारे हेडलाइंस के डिटेल के बारे में बात करेंगे एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आई पीसीएस, एस पी सी एस यूजीसी नेट एस एस सी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स। है एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन अंकल्स ओनली डॉटर

तो जॉइन पनेशिया ट्यूटर फॉर योर सक्सेसफुल एंड ब्राइट फ्यूचर तो हमारी फर्स्ट जो आज की न्यूज़ है वो है वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022 के बारे में तो पहली बार जो वर्ल्ड टूरिज्म डे था वो मनाया गया था 1980 में तो 1980 में सबसे पहले वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया था तो डेट जो है वो मार्क करता है एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द स्टैट्यूट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन 1970 और उसके 5 साल बाद था यू एनडब्ल्यू टी ओ एस्टेब्लिश किया गया था तो इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो इस साल की जो थीम है वो है रीथिंकिंग टूरिज्म और जो मैसेज इस साल वर्ल्ड टूरिज्म डे पे दिया गया है वो मैसेज है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बोथ पीपल एंड प्लेनेट हमारी नेक्स्ट न्यूज है गुलाम नबी आजाद फ्लो न्यू पार्टी नेम्स इट एज आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी गुलाम नबी आजाद जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने अभी एक न्यू पार्टी अपनी लॉन्च की है उन्होंने uh, 26th August, 2022 को कांग्रेस से अपना कोलेबरेशन खत्म कर लिया था सुपर टाइफून नोरू स्लैम इन टू द फिलिपाइंस तो फिलिपाइंस में ये एक नया टाइफून आया है जिसका नाम रखा गया है नोरू तो उसका जो मेन आइलैंड है लुजोन उसमें ये टाइफून ने हिट किया है और इसकी जो विंड स्पीड है वो 195 नाइनटी पर आवर की स्पीड है जगदीप धानकर रिलीज द बुक टाइटल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समशक्तिया जगदीप धानकर जो है वो हमारे वाइस प्रेजिडेंट हैं उन्होंने न्यू दिल्ली में जो इवेंट हेल्ड हुआ था उसमें उन्होंने ये बुक को रिलीज किया है तो वहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी उन्होंने भी इस इवेंट को अटेंड किया था और इसके जो चीफ एडिटर ऑफ द बुक हैं वो हैं डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी तो ये इस इवेंट के बारे में हमारी सारी डिटेल्स हो जाती हैं तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है हरिकेन ईन जो कि यूएस फ्लोरिडा और नेबरिंग क्यूबा में आ, आया है और इस वहाँ पर स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है थाउजेंड के अराउंड जो लोग हैं वो शेल्टर्स में पहुंचे हैं और बाकी के लोग अपने कुछ रिलेटिव्स और अपने कुछ फ्रेंड्स के पास शिफ्ट हो गए हैं तो जो मैक्सिमम स्पीड है जो एक्सपेक्ट की जा रही है 155 किलोमीटर पर आवर की है और यान इज अ कैटेगरी टू स्टॉम ऑन द सेफे सिमसन स्केल तो कैटेगरी टू का ये जो है वो हरिकेन बताया जा रहा है पीएम मोदी पेस्ट ब्यू टू शिंजो एट स्टेट फ्यूनरल इन टोक्यो लॉज एक्स जापान प्राइम मिनिस्टर्स लेगेसी तो जो शिंजो एब थे उनका सेसिनेशन हुआ था जुलाई एट को सुबह साढ़े ग्यारह बजे उनको गोली मार दी गई थी तो ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डिक्लेयर डेड एट फाइव थ्री पी एम तो शाम के पांच बजे उनको डेड डिक्लेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ साथ पचास और जो बड़ी वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो भी उनके फ्यूनरल पर पहुंची हैं नासा है हिट सेस्टेरॉयड 11 मिलियन किलोमीटर अवे इन हिस्टोरिक अर्थ डिफ्लेक्शन टेस्ट तो अकॉर्डिंग टू नासा द डबल एस्टोरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट और डार्ट इम्पेक्टर हिट्स द टारगेट तो अब बात करें कि टारगेट था क्या तो वो जो टारगेट था वो डिमॉर्फस नाम का एक स्पेस रॉक था जिसको नासा ने हिट करने की कोशिश की थी और वो सक्सेसफुल हो चुका है और ये जो है हमारा ये ब्लास्ट किया गया था टेन मंथ्स अगो फ्रॉम कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया से इसे ब्लास्ट किया गया था टेन मंथ्स अगो तो नासा ने ये जो सारा प्रोसेस है ये लाइव स्ट्रीम किया है अपने यूट्यूब चैनल पर तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी है तो मिशन वॉज डिवाइज टू डेटामाइन वेदर अ स्पेस क्राफ्ट इज केपेबल ऑफ चेंजिंग द ट्रांजेक्ट्री ऑफ एस्टेरॉयड थ्रू शेयर कैनेटिक फोर्स तो ये जो था ये इसका मेन मोटिव हो जाता है उसका मेन मिशन हो जाता है तो जो डार्ट था वो लॉन्च किया गया था स्पेस रॉकेट से इन नवम्बर नवंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था जॉर्जिया मिलोनी टू भी इटली इज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन फार राइट इलेक्शन तो जॉर्जिया मिलोनी जो हैं वो बिलोंग करती हैं ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से और जो संडे को वोटिंग हुई थी उसके टू थर्ड जो पोलिंग हुए हैं पोलिंग्स उसकी काउंटिंग से ये डिक्लेयर हो चुका है कि जो मेजोरिटी है वो जॉर्जिया मिलोनी को मिल चुकी है और अब वो इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं जब तक वो ऑफिस होल्ड नहीं करती हैं तब तक जो फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल चीफ बैंक मारियो दार्गी जो पहले वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी सरकार दो साल पहले गिर गई थी वो तब तक उनका ऑफिस होल्ड करेंगे अगर हम बात करें जॉर्जिया मिलोनी के पर्सनल कुछ डिटेल्स के बारे में तो यहाँ पर है वो बॉन्ड हुई थी फिफ्टींथ ऑफ जनवरी नाइनटीन को उनका बर्थ प्लेस था रोम इटली एज अ करियर शी वॉज अ पॉलिटिशियन एंड अ जर्नलिस्ट तो ये थी सारी डिटेल्स जॉर्जिया मिलोनी के बारे में Our next news is veteran star आशा पारेख टू बी कॉन्फर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 जो है वो दिया जा रहा है आशा पारेख जी को आशा पारेख जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है इट इज प्रेजेंटेड बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और ये दिया जाएगा नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो कि होता है न्यू दिल्ली में तो इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि सिक्सटी एट जो नेशनल फिल्म अवार्ड है जो इस साल होंगे वो होगा सेवन थर्टियथ ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी को और इसको प्रिसाइड ओवर करेंगी हमारी प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी तो पारिक जी जो हैं उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 1992 में And she also served as the head of Central Board for Film Certification from 1998 to 2001. Center Bank's PFI, associates for five years, cites major threat to security. So PFI is banned, it is declared as unlawful for a period of five years. The move follows two rounds of massive country-wise raids on PFI leaders in terror fund cases. तो अभी इट इज़ बिकमिंग अ मेजर थ्रेट फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री सेंटर ने ये स्टेटमेंट दी है पीएफआई को बैन करने से पहले तो ये फाउंड हुई थी अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करें तो ये फाउंड हुई थी 26 ऑफ नवंबर 2006 को तो ये थी हमारी न्यूज 27th ऑफ सितंबर 2022 के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग